नमस्कार, मैं प्रथमेश शिवकर, आप देख रहे हैं फ्लैश न्यूज। किसकी होगी सियासत, किसका होगा महापौर, इस कार्यक्रम के अंतर्गत हम आ चुके हैं वार्ड क्रमांक 145 में अनुशक्ति विधानसभा में, जो हमारे साथ बहुत ही चर्चित, लोगों में चर्चित कार्यकर्ता, MIM के कार्यकर्ता शाहनवाज शेख जी है, उनसे ही बात करेंगे हम। शाहनवाज जी, ये बताइए कि लोगों में आप ही का नाम गूंज रहा है ट्रॉम्बे चिता के, हमें क्या कहना चाहेंगे, क्या क्यों ये मतलब इलेक्शन की तैयारी, लोगों में क्या चाहते हैं कि इलेक्शन में आप खड़े होना चाहिए? जी देखिए, सबसे पहले तो ये बात है कि लोगों की ये मोहब्बत है कि लोगों ने जो है मेरा नाम जो है पूरी तरह लोगों में चल रहा है, और जिस तरह MIM को लेकर लोग में एक नया बदलाव लाना चाहते हैं, तो MIM की सूरत में लोग जो है चिताग्नि के रहवासी यहाँ पे बदलाव लाना चाहते हैं, और जिस तरह मेरा नाम चल रहा है, तो हमने यहाँ पर पार्टी के लिए बहुत से काम किए हैं। जिस तरह अभी हाल ही में हमने आधार कार्ड का कैंप लगाया था, जिसमें 300 से 400 लोगों का हमने आधार कार्ड फ्री ऑफ कॉस्ट में बनाया। मैं आपको यही रोकना चाहता हूँ, जैसे आधार कार्ड, हमारे जानकारी के मुताबिक आप आधार कार्ड का जब कैंप रखा था, तभी आपको बाहर से पुलिस लोग से बहुत प्रेशर आ रहे थे, तो उसके बारे में कुछ कहिए। जी, पुलिस लोग का तो प्रेशर आया था जब स्टार्ट में हम MIM ज्वाइन किए थे, जब यहाँ पे MIM के जितने भी बैनर्स वगैरह लगे थे, तो जितने भी पुलिस वगैरह है वहाँ पर जो है बैनर के फोटो खींचना, और चौकी से भी मुझे फोन आया था कि आपके जितने भी कार्यकर्ता है उनके कांटेक्ट नंबर दीजिए। तो मैंने उनसे यही कहा था कि देखिए, उनके कांटेक्ट नंबर तो मेरे पास नहीं है, पर यह शाहनवाज शेख आपके लिए हाजिर है, आपको कभी भी कुछ भी इंक्वायरी करना है तो आप मेरे को कॉल कर सकते हैं, या तो मुझे बुला के इंक्वायरी आप कर सकते हैं, और आपकी मैं सहायता करूँगा। लोगों की इच्छा है कि अगर आप इलेक्शन में खड़े होते हो तो वो आप ही को वोट देंगे, ऐसे लोगों की इच्छा है, तो आप क्या कहना चाहते हैं इच्छुक उम्मीदवार के तौर पर? जी देखिए, लोगों की मोहब्बत है जो MIM को कामयाब करेगी, इंशाल्लाह आने वाले वक्त में हमारी मजलिस को कामयाब करेगी। असद भाई और अकबर भाई का कांधा जो है महानगर पालिका के चुनाव से जो है हम मजबूत करना चाहते हैं, और अगर मेरी मजलिस मुझे चुनती है तो मैं उनकी उम्मीद पर पूरी तरह खड़ा उतरूंगा, और चिताग्नि के जितने भी रहवासी है जो हमें काम करना है वो हर काम हम करके दिखाएंगे। जैसे कि हमारे कुछ एजेंटे हैं, जैसे कब्रस्तान को लेकर, पीछे जो है हमारे स्लम एरिया है खाड़ी का, वो खाड़ी के मसले को लेकर, और यहाँ पे जितने भी कुछ छोटे मोटे गटर के मसले या रोड के मसले हैं, और मीन सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है, जितने भी हमारी माँ बहनें जो है वो हमल से रहते हैं, प्रेग्नेंट रहते हैं, तो सोनोग्राफी के लिए जो है चेंबूर या साइन वगैरह उनको जाना पड़ता है। यहाँ पर चिताग्नि में कोई दवाखाने में सोनोग्राफी की मशीन अवेलेबल नहीं है, तो सबसे पहले हमारा काम ये होगा कि अगर हम इंशाल्लाह जीत कर आते हैं MIM से, या मैं हूँ या कोई भी हमारी मजलिस जिसको बेहतर समझती है उसे चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार को खड़ा करती है, तो हम वहाँ पे कामयाब हासिल करते हैं, तो सबसे पहले हम सोनोग्राफी की मशीन यहाँ पे लाना चाहेंगे ताकि हमारी माँ बहनों को उससे सहूलियत हो, फायदा हो। और दूसरी बात, कभी भी कुछ भी इमरजेंसी मसला हो जाता है तो यहाँ पे हमारे डॉक्टर अवेलेबल नहीं रहते, तो हम ये चाहेंगे कि हम हमारे MIM के थ्रू से हमारे नगर सेवक जो भी आते हैं, तो उनसे हम यही चाहेंगे कि यहाँ पर जो है एक 10 से 12 डॉक्टर का स्टाफ यहाँ पर जो है अवेलेबल हो। अच्छा, जो महाराष्ट्र में नगर पालिका नगर अध्यक्ष के जो चुनाव हुए थे उसमें अहम जीत मानी जा रही है MIM की तरफ से, 60 सीट लड़े थे उसमें से 36 सीट आ चुके हैं, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मुंबई में भी इसका असर होगा क्या? देखिए, सबसे पहले तो ये है कि मुंबई में इसका असर तो इंशाल्लाह इस तरह होगा कि आने वाले वक्त में हम ये दावा करते हैं कि इंशाल्लाह महानगर पालिका में जो है इंशाल्लाह मेहर पे जो है हमारा कब्जा होगा, इंशाल्लाह ये हमको इतना यकीन और इतना दावा है। और जिस तरह वहाँ के लोगों ने जो है 60 में से जो 37 सीट लोगों ने कामयाब की है, इंशाल्लाह मुंबई में आने वाले वक्त में महानगर चुनाव पालिका में जो है हर लोग जो है ये उम्मीद लगा के बैठे हैं, कुछ बदलाव चाहते, तो बदलाव के जरिए जो है इंशाल्लाह MIM को कामयाब करेंगे। और एक आपसे बात करना चाहते हैं, अभी जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो फैसला लिया है, जो 500 और 1000 के नोट जो नोटबंदी कर दी है लोगों में, उसमें किस तरह का आक्रोश है? आप देखिए, समर्थन देखिए, उसे हम तो समर्थन करते नहीं, उसका कंडेम करते, क्योंकि इसलिए कि अगर हमारे नरेंद्र मोदी जी PM साहब अगर कुछ डिसीजन लेते हैं तो उससे लेने से पहले जो है वो नोट जो है अवेलेबल करना चाहिए था। हमें तो नहीं लगता है कि जितने भी जो ब्लैक मनी अभी तक आई होगी, क्योंकि ऑलरेडी नोट बंद का इशू करने से पहले जितने भी ब्लैक मनी वाले वो थे, वो अपने तो काले धन को जो है अपनी तरह जो है ठिकाने लगा दिए थे, और पूरा उन लोगों को कुछ फिक्र ही नहीं है। आज आप देख रहे हैं, चाहे वो बैंक की लाइन में हो, चाहे वो पोस्ट ऑफिस की लाइन में हो, चाहे वो
अपना कहीं भी हो वहां पर जो है एक आम आदमी ही नजर आ रहा है, जो हमारी माँ बहने बुजुर्ग जो है, हमारे लोग जो है धूप में खड़के जो है लाइन में खड़े हुए और नोट निकाल रहे। यहाँ तक कि MIM की तरफ से हम लोगों ने जांच से हमारे को कॉपरेट करना चाहिए था। हमने हर ATM पे हर बैंक में जो है जूस और पानी और चाय बिस्किट वगैरह हमने ये लोगों की सेवा की है जितना हो सके हमारे से, पर ये नरेंद्र मोदी ने जो ये किया है कि इतने पब्लिक को जो है बदलाव लाना चाहते हैं, सबका साथ सबका विकास बोलकर जो है हमारी आम जनता को जो है वो रोड पे लेके आके हमारी माँ बहनों को रोड पे खड़ा कर दिए। एक आखिरी सवाल आपसे जाते जाते, MIM किसी दूसरे पार्टी से या फिर अपनी पार्टी से कोई गठबंधन करेगी या नहीं? देखिए अभी तक तो इंशाल्लाह उसके बारे में कुछ जिक्र नहीं हुआ है। अगर जो MIM को बेहतर लगेगा कि किससे हमको गठबंधन करना है तो उस वो टाइम पे जो है इंशाल्लाह गठबंधन का निर्णय लिया जाएगा, और वो हमारे सबसे ज्यादा तो हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ही वो डिसीजन लेंगे, वही जानते, वो हमारे अकायद है, वो जो उनका जो भी निर्णय होगा हम उनसे सहमत होंगे। ये थे हमारे साथ शाहनवाज शेख जी, जो वार्ड 145 से इच्छुक उम्मीदवार के तौर पर MIM से लड़ना चाहते हैं। कैमरामैन राहुल के साथ मैं प्रथमेश शिवकर, फ्लैश न्यूज, मुंबई।